देखिए त्रिकोण मिति का परिचय आठवां चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अनुसार कक्षा 10 में। इसमें आपका त्रिकोण मिति में परिचय हम देते हैं त्रिभुज ये त्रिभुज आपका है जिस पर ओ पी क्यू कोण आपका थीटा और यह कोण आपका 90 अंश जिसपे लंब कर्ण और नीचे आपका आधार इसमें देखिए एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी बुक के अनुसार एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 जैसे कुतुबु मीनार के शीर्ष देखने पर जब हम कल्पना करते हैं तो कुतुबु मीनार के शीर्ष को देखने पर हमें कुतुबु मीनार से तरह से देखने पर 90 अंश कोण बनता है और हम कोण दूर से देखते हैं ऐसा आभास होता है दूर से देखते हैं तो यह जो है एग्जाम्पल पहला होता है कुतुबु मीनार कुतुबु मीनार के शीर्ष पहला कल्पना दूसरी कल्पना एक लड़की नदी के किनारे अपने मकान के बालकनी से देखती है एक लड़की जो है अपने मकान मकान के बालकनिक अपने मकान के बालकनिक से देखती है ये मकान हो गया मकान का छत है और यहां से ये लड़की जो देखती है क्या देखती है शीर्ष नदी के शीर्ष से देखती है तो इस तरह से यह दूसरा एग्जाम्पल होता है तीसरा है लड़की मीनार देख रही है और दौड़कर अपने मां से कहती है दौड़कर अपने मां से कहती है पास जाकर कहती है तो यह भिन्न कोण बन जाते हैं जिसमें ए बी सी डी ई इस तरह से ये कई जो है कोण का प्रश्न उठता है। फिलहाल त्रिकोणमिति परिचय में हम अगले त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में हम विस्तार से देखेंगे इन कोणों के विषय में और नयन उन्नयन का अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम इस समय सिर्फ त्रिकोणमिति के अनुपात और त्रिकोणमिति क्या है इनके कोण कितने हैं यही अध्ययन करेंगे। तो देखें सिर्फ इतने पर ही त्रिकोणमिति में नंबर 1 आता है साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर पी क्यू अपान पी ओ
अर्थात लंब बटा कोण क्यों होता है? लंब बटा कोण, आधार बराबर होता है लंब बटा कोण, अर्थात पी क्यू बटा पी ओ, ये साइन है, साइन आधार को कहते हैं। दूसरा है कॉस, कॉस थीटा बराबर ओ क्यू अपान ओ पी, अर्थात आधार बटा कोण। अब देखें लंब बराबर, इनको कहते हैं कास, लंब बराबर आधार बटा कोण यानी ओ क्यू बटा ओ पी। तीसरा है टेन थीटा बराबर होता है पी क्यू अपान ओ क्यू। देखें पी क्यू बटा ओ क्यू, अर्थात पी क्यू अपान ओ क्यू, यह जो है लंब बटा आधार हो जाता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन कर्ण को कहते हैं। टेन कर्ण को कहते हैं। अब इसी में फोर्थ काट, ये तीन ही मुख्य होते हैं। अब तीन का ही हम उल्टा प्रक्रिया देखते हैं। काट थीटा बराबर होता है ओ क्यू बटा पी क्यू, अर्थात ओ क्यू आधार था ऊपर आ गया बटा लंब। फोर्थ फाइव आएगा आपका सेक थीटा बराबर ओपी बटा ओ क्यू बराबर इसका आ जाएगा कोण बटा आधार। सेक थीटा कोण बटा आधार, अर्थात आपका कास हो गया, आधार बटा कोण था, ओपी बटा ओ क्यू था, इसी का ये उल्टा सेक हो गया, तो इसको कोसेक, इसको काट, उल्टा में हमें सिक्स साइन का कोसेक लिखेंगे, को एस ई सी कोसेक बराबर कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा पी ओ बटा पी क्यू, अर्थात यह हो गया कोण बटा लंब। ये सिक्स आपके जो है चलते रहते हैं। तो त्रिकोणमिति में अब आपने समझ लिया कि आपका लंब बराबर अर्थात आधार बराबर पहला साइन थीटा, आधार बराबर लंब बटा कोण,
काश लंब बराबर आधार बटा कर्ण और कर्ण बराबर लंब बटा आधार और इसके बाद कर्ण बराबर आधार बटा लंब, लंब बराबर कर्ण बटा आधार और यह जो है कोसेक आधार बराबर कर्ण बटा लंब, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध देखते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, अनुपात में संबंध, इनके अनुपात में संबंध देख लीजिए। अब यहीं से त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है। साइन थीटा नंबर एक, साइन थीटा अब हम फास्ट थोड़ा चलेंगे, वन अपान कोसेक होता है, कोसेक थीटा, इसी का कोसेक थीटा यदि हम करते हैं, कोसेक थीटा जब करते हैं तो वन अपान साइन थीटा होता है। वही चीज दूसरा कॉस थीटा जब करते हैं, कॉस थीटा करते हैं, कॉस थीटा बराबर यह होगा वन अपान सेक थीटा, वन अपान सेक थीटा और इसी का सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर होता है वन अपान कॉस थीटा। तीसरा यही चीज टेन थीटा बराबर जब लेते हैं, टेन थीटा तो बराबर आ जाता है साइन अपान कॉस थीटा अर्थात आधार बटा लंब। और कॉट थीटा जब हम पढ़ते हैं तो कॉट पर आ जाता है कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार है। अब टेन बराबर टेन थीटा बराबर होता है वन अपान कॉट थीटा और यही जो है कॉट थीटा बराबर होता है वन अपान टेन थीटा। इस तरह से यह त्रिकोणमिति अनुपात होता है। अब हम चलते हैं सरसमिका, अगला सूत्र इसी पर आधारित है। सरसमिका एनसीईआरटी बुक में आपका सिर्फ परिचय है और अनुप्रयोग है, परंतु इनका जो है त्रिकोणमिति का चैप्टर बहुत काफी लंबा होता है, आप में उतना विवरण उतनी क्वेश्चन नहीं है। फिलहाल हम जितने सिलेबस में आपके रहेंगे सिर्फ सिलेबस के ही आधार पर, सिलेबस पर ही हम देंगे, उससे ज्यादा नहीं, और है उससे ज्यादा काफी लंबा प्रोसेस है। देखें त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति सर्वसमिका 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 वर्गात्मक संबंध, वर्गात्मक संबंध आइए इन संबंधों को हम देखते हैं। पॉइंट ए, यहीं से त्रिकोणमिति जो है
शुरू होता है। लिखा है पहले में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। और यही चीजें एक नंबर में, यही चीजें हम लिखेंगे यदि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर करते हैं तो वन माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अर्थात वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा रूप वन माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का रूप तीनों प्रक्रियाएं यह हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा रूप चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होगा। अब इसी के रूप में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा होगा। इसी का और यही वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जब लिखेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं का रूप है। अगला स्टेप है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो इनका भी तीन रूप होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन, कोसेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर यह होता है कॉट स्क्वायर थीटा। यह जो है आपके त्रिकोणमिति सूत्र है। अगला सूत्र अब हम संक्षिप्त में देंगे, यह आपके पूरक कोटि पूरक, कोटि पूरक, कोटि पूरक त्रिकोणमिति अनुपात। कोटि पूरक कोण में साइन, नंबर एक साइन थीटा, साइन 90 अंश अंडर रूट, साइन क्वेश्चन में 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब इनके जो 90 अंश के मान देखते जाइए, कॉस क्वेश्चन में 90 अंश थीटा माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉट होगा, वही त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे पीछे पड़े हैं उसी तरह से आता रहेगा। सेक सेक बराबर सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक होगा और साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस होगा। इस तरह से यह चलते रहते हैं और यही चीज जो है
दूसरे स्टेप पर होता है कि साइन 180 अंश माइनस साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। देखें इसमें तो उल्टा होता है, लंब बटा कर्ण हो जाता है, कर्ण बटा आधार हो जाता है, लेकिन परंतु इसमें जो है साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर आपका साइन थीटा आएगा। इसी तरह कास का, कास भी कास कोष्ट में 180 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा आएगा। काट का काट आएगा, टेन का माइनस टेन आएगा, काट का माइनस काट आएगा, सेक का माइनस सेक आएगा। इस तरह से ये त्रिकोणमिति अनुपात चलते रहते हैं। यही चीजें 360 पर भी चलती हैं, 360 अंश पर, 180 अंश 360 अंश, तो इस तरह से ये चलता रहता है। आइए हम कुछ एक और अध्ययन कर लेते हैं कोणों के मान पर। सारे देखिए, ये हमारे मोश होते हैं अनिवार्य, जिसमें आपका निष्पत्ति 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 में जीरो अंश, तीस अंश, आपका 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश और स्टार। अब इसमें देखिए निष्पत्ति में देखते हैं 30 अंश को पाई बटा 6, 100 पाई का मान 180 हो गया, 180 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपान करेंगे, भाग देंगे, तो यह हो जाएगा 30 अंश। वही चीज जो है आप पाई अपान फोर्थ कर देंगे तो 45 आ जाएगा। वही चीज जो है पाई अपान 3 कर दीजिए और पाई अपान 2 कर दीजिए, 180 में 2 से भाग दीजिए आ जाएगा 90 अंश। ये निष्पत्ति इसकी है, समझ लीजिए।